और मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन घरेलू इलाज जिसका नाम है हाई और लो ब्लड प्रेशर का इलाज गारंटी के साथ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं कटता है, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो घरेलू नुस्खा नजर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब है हर तरह के हाई और लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी शख्स को हाई या लो ब्लड प्रेशर हो जिसकी वजह से थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज़्यादा थकावट का हो जाना या बहुत ज़्यादा सांस का फूलना, गर्दन और सर में दर्द का होना, बहुत ज़्यादा गुस्से का आना, तनाव में आ जाना, हर छोटी सी बात का टेंशन का हो जाना, सर का चकराना यानी कि घूमना, नींद का ना आना, दिल का धड़कना, घबराहट का होना, अचानक नाक से जो है खून आना, सांस का ना आना या इतनी लंबी सांस आना कि इंसान अपने होशो हवास भूल जाए, या जो है फिर सांस का जो है घुट जाना, ये प्रॉब्लम्स हाई या लो ब्लड प्रेशर वाले को हो सकती है जिसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना है। अगर किसी शख्स को हाई या लो ब्लड प्रेशर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा जो है हाई और लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन यूज़फुल है, इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। तो चलिए दोस्तों नुस्खे की तरफ चलते हैं, यानी कि आपको जो है 6 आइटम की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आपको जो है नंबर 1 पर जो है दोस्तों आपको है ना ये काली मिर्च देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रही है काली मिर्च। दोस्तों आपको जो है काली मिर्च जो है आपको 50 ग्राम लेनी है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको जो है इसको बोलते हैं इलायची, ठीक है, ये देख लीजिएगा सब्जी के भी काम में आती। दोस्तों आपको जो है 50 ग्राम ही लेनी है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको जो धनिया, इसको धनिया बोलते हैं, ये भी सब्जी वगैरह के काम में, दोस्तों आपको जो है 60 ग्राम लेना है, यानी कि खुश्क धनिया आपको जो है 60 ग्राम लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है ज़ीरा, ये भी जो है दोस्तों ये 50 ग्राम आपको लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको जो 5वें नंबर पर जो है आपको जो है दोस्तों संदल का बुरादा है ना, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, या आपको जो है पंसारी की दुकान पर जहाँ पर जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती है वहाँ पर आपको जो है संदल का बुरादा वहाँ से आपको ले लेना है, वो भी आपको जो है 50 ग्राम ही लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको जो है छोटी चंदन, ये भी जो है आपको पंसारी की दुकान पर आसानी के साथ मिल जाएगा, ये आपको जो है 60 ग्राम लेना है। एक बार आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ, काली मिर्च आपको जो है 50 ग्राम लेनी है, फिर उसके बाद में इलायची भी जो है आपको 50 ग्राम, खुश्क धनिया जो है आपको 60 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा जो है दोस्तों आपको जो है 50 ग्राम, संदल का बुरादा 50 ग्राम, और उसके बाद में छोटी चंदन जो है आपको 60 ग्राम लेनी है। यानी कि जिस तरीके से आपकी स्क्रीन पर हुआ नज़र आ रहा है इस तरीके से जो है आप ले लें। जब ये तमाम दवाइयां दोस्तों आप ले लें तो लेने के बाद में इन तमाम दवाइयों को जो है जितनी मकदार मैंने बताई है उतनी ही मकदार में जो है आपको उतनी क्वान्टिटी के अंदर जो है ये तमाम दवाइयाँ आपको लेनी है। और लेने के बाद में दोस्तों आपको जो है सबका सफूफ यानी कि पाउडर आपको बना लेना है। जब तमाम दवाइयों का आप पाउडर बना लें सब जो है एक कांच का जो है एक डब्बा लेने का है, और डब्बा लेकर के जो है ये तमाम काम पाउडर जो है डब्बे के अंदर आपको जो है रख देना है। यूज़ करने का तरीका दोस्तों ये रहेगा कि चाय का जो चम्मच होता है वो आधा चम्मच सुबह को निहार पेट जो है आपको लेना है, और आधा चम्मच दोस्तों आपको जो है शाम को लेना है ताज़ा पानी से। रोज़ दोस्तों जो है आपको इसी तरीके से ये पूरा नुस्खा इस्तेमाल कर लेना है, इससे जो है दोस्तों आपका जो है हर तरह का लो या हाई ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको ब्लड प्रेशर की जो है ये शिकायत आपसे दूर हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन यूज़फुल नुस्खा है, आज़मूदा है, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन यानी कि घंटे का बटन ज़रूर दबा दें। हमारी जो मेहनत कफल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। सवाब की नियत से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर देना, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। हम दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।